करती हूँ। अब खबरें विस्तार से। स्कूल ने कहा कि एक इमारत, डेस्क बेंच, ब्लैक बोर्ड, चित्र वेतन भोगी शिक्षकों और छात्रों की आंखों के सामने आती है। वर्धा शहर के केंद्र नाका इंदिरा नगर खुला चलाने फुटपाथ स्कूलों में ध्यान केंद्रित करना, जो शिक्षक इस स्कूल को चलाता है। मिली जानकारी से पता चला है कि मोहित सहारे नाम का शिक्षक है जो पॉलिटेक्निक कृषि अध्ययन कर रहे हैं। गजानन जाधव पहले माता पिता है जिन्होंने इस फुटपाथ स्कूल में दो बच्चों को भेजा था। धीरे धीरे आज 54 बच्चे इस फुटपाथ स्कूल से जुड़कर पढ़ रहे हैं। 8 दिन में ही 4 हत्या की वारदात सामने आई है, पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नागपुर शहर में गुनहगारी कम है। नागपुर पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय देश की शहरी नक्सलवादी पर शहरी माओवादी वार्ता के जवाब में कहा, उन्होंने कहा कि नागपुर में शहरी नक्सलवाद भी सक्रिय है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध शहर के अन्य महानगरीय शहरों की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति संगठनों की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले का विरोध। अनुसूचित जाति संगठनों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फैसले में शब्द दास का उपयोग करें। आने वाले दिनों में मीडिया द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के मामले में दलित शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारतीय प्रेस परिषद जून में मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश आवश्यक उपायों के अनुसार। ऐसा माना जाता है कि यह आदेश एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन होगा। ऐसा एक सामाजिक कार्यकर्ता पंकज मेश्राम ने 2016 में एक याचिका में दाखिल किया। 21वीं सदी में हम लोग विकास की ओर जा रहे हैं, तो फिर क्यों एक विशिष्ट जाति के लोगों को ऊंचा नीचा कह के बोले? और यही भावना की वजह से मैंने महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को कई बार लेटर लिखे, मांग की थी कि कृपया आप इस शब्दों को हटा कर सम्मानजनक जो इस शब्द है अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, इस शब्द का इस्तेमाल करें। लेकिन जब मुझे दिखा कि कुछ हो नहीं रहा, तो मैंने 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय नागपुर में एक याचिका दायर की, और उस याचिका में मैंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाया। उस याचिका का रिजल्ट जून 2018 में लगा। उस रिजल्ट में माननीय न्यायालय ने डायरेक्शंस दिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि आप इस विषय में अपने डायरेक्शन इशू करें, और उसी आधार पर अभी हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।